हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज बुरा फ्रॉम श्री विजयनगर आज आपके सामने एक इकोनॉमिक्स की नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज अवर मास्टर बजट। इस बजट को करने के लिए सबसे पहले मास्टर बजट होता क्या है वो पता होना चाहिए आपको। तो मास्टर बजट की वीडियो करने से पहले सबसे पहले मास्टर बजट है क्या, सारे बजट को अगर हम मिला लें तो वो होता है मास्टर बजट, जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके देते हैं मास्टर बजट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मास्टर बजट की अगर हम बात करें तो सिंपल, हमने जो बजट बनाया था स्टार्टिंग में, जिसको हम बोलते थे फ्लेक्सिबल बजट, उसी बजट के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो वो बन जाएगा हमारा मास्टर बजट। थोड़ा सा चेंजेस देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है मास्टर बजट। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपने क्या किया था, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपने कॉस्ट दिखाई थी अलग अलग, कौन कौन सी। तो पहली कॉस्ट आपने दिखाई थी कौन सी, फिक्स एक्सपेंस। सेकेंड आपने दिखा दी वेरिएबल। थर्ड आपने दिखा दी सेमी वेरिएबल, मान लो या सेमी वेरिएबल। इसके अलावा और भी कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हो अपने उसको, डायरेक्ट मटेरियल से लेबर कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। इन तीनों को ऐड करेंगे तो बात समझेगी प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंस ऐड करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस ऐड करेंगे, सेमी वेरिएबल ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो हमारा तो ये टारगेट होता था कि हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, लेकिन मास्टर बजट क्या कहता है, मास्टर बजट के अंदर थोड़ा सा चीज है कि आपने सारे एक्सपेंस के ऊपर आप सेव लिखा दो, एक क्या लिखा दो फर्स्ट नंबर पे सेव, और सेकंड नंबर पे अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट डाल दो, जो एक्सपेंस हुए ना वो सारी लिस्ट डाल दो, प्राइम कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, और इसको एक फॉर्मेट में डालना आपको, ताकि ये पूरा आपका एक बजट की तरह लगे, मास्टर बजट की तरह। ये मान लो ये मैंने डाल दिया, मान लो। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरी सारी की सारी एक्सपेंस का टोटल आ गया, मान लो स्कोर्स ये हो गया टोटल, मैं टोटल यहाँ लेके मान लो, और ये मेरे सेल यहाँ, और सेल में से जब मैं अपनी टोटल कॉस्ट यानी टोटल एक्सपेंस लेस करूंगा तो मेरे पास अधिकतम प्रॉफिट मान जाए, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये मास्टर बजट का एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम मास्टर बजट को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास्टर बजट के क्या क्या टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं मास्टर बजट को, उसके थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मास्टर बजट का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मास्टर बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास्टर बजट आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते अभी, क्वेश्चन में आपको एक मास्टर बजट बनाना है। क्वेश्चन में आप क्या ले रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या ले रखा है, बजट यूनिट सेल दे रखी है आपको, जुलाई में है 1200 यूनिट, अगस्त में है 1400 यूनिट, सितंबर में है 1700 यूनिट, अलग अलग यूनिट दे रखी है। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है 4 रुपए एक यूनिट के हिसाब से, अगर आप जुलाई में 1200 यूनिट बनाओगे तो 4 रुपए के हिसाब से लगेगी, अगस्त में 1400 यूनिट बनाओगे तो 4 रुपए के हिसाब से लगेगी, और सितंबर में 1700 यूनिट बनाओगे तो भी 4 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी। मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट में फिक्स दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो फिक्स रहते हैं बेसिकली 5000 रुपए दे रखे हैं सैलरी के, 3000 रुपए दे रखे हैं आपको ऑफिस रेंट के, 2000 रुपए 2500 रुपए आपको देखें डेप्रिसिएशन। आपको
थर्ड क्वार्टर के लिए क्या करना है, कंप्यूट करनी है मास्टर बजट। तीनों क्वार्टर के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर, तीनों क्वार्टर के लिए आपको मास्टर बजट बनाना है। तो मास्टर बजट आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि हम इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग करोगे आप, क्वेश्चन आपको ये देखिए, प्रिपेयर मास्टर बजट, प्रिपेयर मास्टर बजट बाय फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन मैं आपको साइड में करवाता हूँ, इसकी स्क्रीन के साइड में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है बस मिनट सेल, सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स एक्सपेंस दे रखे हैं। तो मास्टर बजट का फॉर्मेट सबसे पहले बनाने के लिए आप लिखोगे मास्टर बजट, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मास्टर बजट फॉर द थर्ड क्वार्टर, फॉर द पीरियड ऑफ थर्ड क्वार्टर। मास्टर बजट में किसे बनाना है, थर्ड क्वार्टर का। तो सबसे पहले ये लिखेंगे सेल, सेल्स आपको 3 महीने की दे रखी है, कौन कौन सी, तो जुलाई अगस्त और सितंबर। तो अपनी सेल को आप यहीं रखो, थोड़ा सा नीचे कर दो, और यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर 3 क्वार्टर को बनाना है, तो 3 कॉलम यहाँ बनेंगे। ये आपका फॉर्मेट फाइनली तैयार हो जाएगा। अगर आपको टोटल का बनाना है तो ये 3 क्वार्टर के देना है, तो टोटल का भी 1 कॉलम बना लेंगे। ये पूरी स्क्रीन आ रही है आपकी, चलिए पूरी स्क्रीन आ रही है, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि हमें यहाँ दिखानी है सेल्स, और सेल्स की वॉल्यूम आपको यहाँ से लेनी है। तो यहाँ पर आपको सेल्स दे रखी है कितनी, 1200 यूनिट। सेल यूनिट में नहीं है सर, ये अमाउंट में, क्या है ये अमाउंट में, सॉरी थोड़े से जानते हैं कि ये आपको अमाउंट में यूनिट आपको दे रखी है ना, सेल दे रखिए सेल, ये आपको यूनिट में दे रखी है। तो ये ध्यान रखें, अगर यूनिट में दे रखी है तो यूनिट में लिखें, अदरवाइज अमाउंट में लिखें। और अगर क्वेश्चन में ये यूनिट दे रखे ना, तो यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा, अगर ये अमाउंट है तो अमाउंट के हिसाब से। तो अपने इसको यूनिट सेल मान रहे हैं, तो ये यूनिट ही आ पाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में प्राइस नहीं रखा, तो एक बार प्राइस मान लें अपने कि सेल्स प्राइस आपको दे रखा है सपोज 20 रुपीज। आपको मास्टर बजट पढ़ना है, सबसे पहले आपको मास्टर बजट के अंदर सेल्स दिखानी पड़ेगी। तो सेल कैसे दिखाओगे, तो यूनिट इनटू प्राइसेस, यूनिट इनटू प्राइसेस। तो जुलाई की कितनी आएगी, 1200 इंटू 20, यानी कितनी होगी 1200 इंटू 20, 24,000। अगस्त की 1400 इंटू 20, 28,000। सितंबर की 1700 इंटू 20, 34,000। और टोटल कितना हो गया, तो 2400 और 3820, 52 और 56 और 30, 86, 86,000 टोटल आ गया। इसमें से सबसे पहले हमें क्या लेस करना पड़ेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बस एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, चलिए आप ये बोले वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंस आपको देखें 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 1200 यूनिट के हो गए 4800, 1400 यूनिट के हो गए 5600, और 1700 यूनिट के हो गए 6800। कि मैंने कैसे निकाला, एट द रेट 4 पर यूनिट इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी यूनिट से। तो यहाँ पे एक बार काम करना, यूनिट्स दे रहे हैं ऊपर, 1200 यूनिट इन जुलाई, 1400 यूनिट इन अगस्त, 1700 यूनिट इन सेप्टेम्बर। टोटल के कॉलम में टोटल यूनिट निकालें, तो टोटल यूनिट निकालो 4300 यूनिट्स, यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल करो, 48 से 54, 10 हज़ार 400, 11 200, 17 200। फिक्स एक्सपेंस, क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंस दे रखा आपको कितना, तो अलग अलग हैंड रेडिंग डाले हैं, सबसे पहले देखो यहाँ सैलरी 5,000 रुपये, सब में फिक्स है तो सब में फिक्स डालना, टोटल कितना रहेगा 15,000। ऑफिस रेंट कितने जा रहे हैं, तो ऑफिस रेंट कितना
कितना आ गया 3000, 3000 9000 आ गया। डेप्रिसिएशन कितना है 2500 रुपये सालाना है, सालाना अगर ये पीरियड के हिसाब से, तो पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कर देते टोटल 7500, क्योंकि 3 महीनों का कितना हो गया 7500 होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, टोटल एक्सपेंस लिखना है। तो टोटल एक्सपेंस में आपको एक्सपेंसेस का टोटल करना है, तो आपके एक्सपेंसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं 4800 और 5000, 9800 और 3000, 12800 और आपके 2500, तो 15300 आएगा टोटल एक्सपेंस आपका। इसका निकालें तो 2, 3, 5, 10, 15, 16100, इसका निकालें 3, 2, 5, 10, 17300, और इसका निकालें 9, 7, 16, 15, 31, 7, 38, 48,700। अब करना क्या है, सेल में से एक्सपेंस लेस करना है तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट। ये मास्टर बजट का फॉर्मेट है आपके सामने, इसी को ही हम एक थोड़ा सा अपर लेवल में देखेंगे। तो 24 माइनस 15 8700, 28 माइनस 16 100 तो आएगा 11900, 17 माइनस कर दिए तो आएगा 16700, और इसमें से माइनस कर दो या फिर इनका तीनों का टोटल कर दो एक ही बात है, तो ये आ गया आपका 36 और 37300। इन तीनों का टोटल कर लो तो भी आपका ये है। तो इस तरीके से हम मास्टर बजट की कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए एक बार कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होगी कि कौन सी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से हम मास्टर बजट को अच्छे से फॉर्मेट करके रख सकते हैं। देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट के साथ सेम होते हैं, तो जितनी यूनिट बोले उतने से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल पर यूनिट में सेम होते हैं, पर यूनिट में क्या होते हैं फिक्स्ड, और जो फिक्स होते हैं वो अमाउंट में फिक्स होते हैं। क्या होते हैं अमाउंट में फिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है क्या भाई, वेरिएबल होंगे तो पर यूनिट में फिक्स होंगे, और फिक्स होंगे तो वो अमाउंट में फिक्स होंगे। इस तरीके से हम अलग अलग मंथ के लिए सेल्स और एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद अगर मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो अकॉर्डिंगली हमें इसके में अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। कॉलम्स को आपको ये देखना कि जुलाई अगस्त सितंबर बना रहे हैं तो फिर टोटल का ही आएगा वो, जिसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कैरी ऑन होगा अभी। ठीक है क्या, ओके। और अगर क्वेश्चन में ये यूनिट दे रखे ना, तो यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। अगर ये अमाउंट है तो अमाउंट के हिसाब से, तो अपने इसको यूनिट से मान रहे हैं तो ये यूनिट ही आ जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन में प्राइस नहीं रखा तो एक बार प्राइस मान लो हमने कि सेल्स प्राइस आपको दे रखा है सपोज 20 रुपीज। आपको मास्टर बजट पढ़ना है, सबसे पहले आपको मास्टर बजट के अंदर सेल्स सिखानी पड़ेगी। तो सेल कैसे दिखाओगे, तो यूनिट इंटू प्राइजेस, यूनिट इंटू प्राइजेस। तो जुलाई की कितनी आएगी 1200 × 20, यानी कितनी होगी 1200 × 20 24000। अगस्त की 1400 × 20 28000। सितंबर की 1700 × 20 34000। और टोटल कितना हो गया, तो 24 और 8 32 और 20 52 और 56 और 36 86000 टोटल आ गया। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पास एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको देखें 4 रुपये/यूनिट के हिसाब से, तो 4 रुपये/यूनिट के हिसाब से 1200 यूनिट के हो गए 4800, 1400 यूनिट के हो गए 5600, और 1700 यूनिट के हो गए 6800। कि मैंने कैसे निकाला, एट द रेट 4 पर यूनिट इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी यूनिट से। तो यहाँ पे एक बार काम करना, यूनिट्स दे रहे हैं ऊपर 1200 यूनिट इन जुलाई, 1400 यूनिट इन अगस्त,
1700 यूनिट इन सितंबर, टोटल की कॉलम में टोटल यूनिट निकालना है, टोटल यूनिट निकालो 4300 यूनिट्स, यूनिट्स है ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल करो 48,54,400, 11,200, 17,200। फिक्स एक्सपेंस क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंस दे रखा आपको कितना, तो अलग अलग हैंडराइटिंग डालना है, सबसे पहले देखना सैलरी 5,000 रुपये, सब में फिक्स है तो सब में फिक्स डालना, टोटल कितना रहेगा 15,000। ऑफिस रेंट 3,000 है तो ऑफिस रेंट कितना आ गया 3,000, तो 3,000 9,000। डेप्रिसिएशन कितना है 2,500 रुपये सालाना है, सालाना अगर ये पीरियड के हिसाब से होता तो पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कर देते, टोटल 7,500 क्योंकि 3 महीनों का कितना हो गया 7,500 होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको टोटल एक्सपेंस लिखना है, तो टोटल एक्सपेंस में आपको एक्सपेंसेस का टोटल करना है, तो आपके एक्सपेंसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं 4,800, 5,000, 9,800, 3,000, 12,800 और आपके 2,500, तो 15,300 आएगा टोटल एक्सपेंस आपका। इसका निकालें तो 2, 3, 5, 10, 15,000, 16,100, इसका निकालें 3, 2, 5, 10, 16,000, 17,300 और इसका निकालें 9, 7, 16 और 15, 31 फॉर्मेट है आपके सामने, इसी को ही हम एक थोड़ा सा अपर लेवल में देखेंगे, तो 24 - 15 = 8,700, 28 - 16 = 2,000, 11,900, 17 - 16 = 16,700 तो जाएगा 16,700 और इसमें से माइनस कर दो या फिर इनका तीनों का टोटल कर दो एक ही बात है, तो ये आ गया आपका 36,137,300, ये तीनों का टोटल कर लो तो भी आपका ये है। तो इस तरीके से हम मास्टर बजट की कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए एक बार कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होगी कि कौन सी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से हम मास्टर बजट को अच्छे से फॉर्मेट करके रख सकते हैं। देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट के साथ सेम होते हैं, तो जितनी यूनिट बोले उतने से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल पर यूनिट में सेम होते हैं, पर यूनिट में क्या होते हैं फिक्स्ड, और जो फिक्स होते हैं वो अमाउंट में फिक्स होते हैं, क्या होते हैं अमाउंट में फिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है क्या, भी वेरिएबल होंगे तो पर यूनिट में फिक्स होंगे और फिक्स होंगे तो वो अमाउंट में फिक्स होंगे। इस तरीके से हम अलग अलग मंथ के लिए सेल्स और एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद अगर मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो अकॉर्डिंगली हमें इसके में अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। कॉलम्स को आपको ये देखना है कि जुलाई अगस्त सितंबर बना रहे हैं तो फिर टोटल का ही आएगा वो, जिसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कैरी ऑन होगा भी, ठीक है क्या। ओके okay.